अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल यम्मी बाय मम्मी। शाद रहें, आबाद रहें और अल्लाह पाक इस दुनिया में बसने वाले हर इंसान को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और नागहानी आफात से बचा के रखे, आमीन सुमा आमीन। चीज़ें देख के आपको समझ आ रही होगी कि मैं आज बनाने लगी हूँ करेले, और वो भी बहुत ही डिफरेंट स्टाइल से। मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है कि मेरी अम्मी जब हम लोग छोटे थे तब वो बनाती थी करेले, ठीक है। अब मैं अपनी बहन से पूछ रही हूँ, भाई मुझे बताओ अम्मी कैसे बनाती थी। ज़ाहिर है मेरी अम्मी अब इस दुनिया में नहीं, अल्लाह पाक उनका अगला जहान बहुत अच्छा करे, आमीन सुमा आमीन। मैंने कहा भाई मुझे बताओ कैसे बनाती थी, तो वो मुझे कह रही थी कि भाई मुझे ऐसा इतना सही तो याद नहीं है, लेकिन थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी और आप यकीन करें मुझे तो बिल्कुल वैसे लगा जैसे अम्मी बना रही हैं। तो फिर मैंने कहा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी वो शेयर करती हूँ, लेकिन मैं ज़रा थोड़ा डिफरेंट करूँगी। मैंने क्या किया है कि करेले, पहले ये देखिए बहुत अच्छे और छोटे छोटे से पतले से करेले थे, और मैंने उनको पील ऑफ करके, ये देखें उसके पील ऑफ करके वो भी मैंने साइड पर रख लिया, और इसके अंदर से बीज निकाल के इसको भी मैंने काटा नहीं है, इसी तरह रखेंगे, ठीक है। अब मैं बनाऊंगी कीमा और करेले और मसाले बिल्कुल थोड़े से। आपको पता है कि मैं थोड़े मसालों के साथ ही प्रेफर करती हूँ कि जो भी रेसिपी बनाऊँ थोड़े मसाले डालूँ, ताकि किसी को प्रॉब्लम मत हो और हर चीज़ घर पे ही मौजूद हो। आधा किलो मेरे पास कीमा है, और ये मैं थोड़े से मसाले डालूंगी जब हम कीमा बनाएंगे, और फिर मैं अगला प्रोसीजर आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं चूल्हा जलाती हूँ और कीमा रख देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी, मेरे पास बीफ का कीमा है हाफ के जी, ठीक है, फ्रीज हुआ हुआ था ये। इसमें मैं एक कप पानी, उसके बाद हाफ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी और 1/2 टीस्पून ही पिसा हुआ धनिया, उसके बाद एक बड़ा प्याज और 4 छोटे छोटे से टमाटर थे, ये भी मैं साथ ही डाल दूंगी। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे टीस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट, ठीक है। अब इसको मैं पकने के लिए रख देती हूँ, ताकि ये अच्छा सा पक जाएगा और हमारा कीमा भी जो वो गल जाएगा। इन द मीन वाइल मैं क्या करूँगी, अब आपको बताती हूँ कि दूसरा प्रोसीजर क्या करते हैं। इसको मैं रख देती हूँ पकने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब ये देखिए ये करेले मेरे पास पड़े हुए हैं, ठीक है। ये मैं मसाले इसमें ऐड करूंगी, ये मिर्ची इधर स्प्रेड हो गई, 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम नमक लिया, क्योंकि ऑलरेडी हमने कीमे में भी नमक डाला हुआ है। 1 टीस्पून मैंने लिया है पिसी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून है हल्दी, 1/2 टीस्पून है पिसा हुआ धनिया, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, और 1/2 टीस्पून ही मैंने इसमें अमचूर पाउडर लिया है। अब मैं इसको क्या करूँगी, इस मसाले को अच्छा सा ऐसे हाथ से मिक्स करके, अब ये सारा मसाला हम डालेंगे इसके ऊपर, ताकि सारे जो करेलों के ऊपर है अच्छा सा हमारा मसाला लग जाए। चले ये मैं सारा मसाला लगाती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह सारे करेलों को मैंने मसाला लगा दिया है, इधर हमारा खाना भी बन रहा है। अब मैं इसको इस साइड पर रखती हूँ और इसमें पैन में ऑयल डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अच्छा मैं क्या करूँगी, ऑयल इसमें जिसमें ये फ्राई करूँगी ना, यही वाला ऑयल जो है मैं कीमे को भूनते हुए उसमें डाल दूँगी, ठीक है, ताकि हमारा ऑयल जो है वो वेस्ट मत हो। सारे करेले जो हैं वो मैं इसमें अब फ्राई करूंगी। अच्छा अब ऐसा है कि ये वाले जो करेले हैं आप इसको एज इट इज भी खा सकते हैं, जैसे अगर कोई दाल वगैरह बनाई है
ऐसे फ्राई करके साथ रख दें, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं और बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे ये इंशाल्लाह। सारे एक ही दफ़ा डाल देती हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम जो है ना जब ये हो जाएंगे फ्राई, फिर मैं बाकी जो इसका वो है वो डाल दूँगी। ये भी मैं मसाले में ही ऐड कर लेती हूँ इस प्लेट में, और मैंने थोड़ी सी सब्ज मिर्चें भी कर दी हैं। ऐसे मिक्स करें। चलिए फिर आप जल्दी से चले जाएं, और आपको पता ही आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं जल्दी से क्या करती हूँ कि ये जो है हमारा करेले, इनको फ्राई करके निकालती हूँ। ये देखें माशाल्लाह कितने अच्छे करेले जो हैं वो हमारे हो गए फ्राई। अब ये मैं इसमें निकालती हूँ सारे। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है, आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे, क्योंकि मुझे याद है कि अम्मी बनाती थी, इतना मज़ा आता था और हम लोग ऐसे ही खा जाते थे, मतलब कि इतने मज़ेदार होते थे। तो फिर मैंने कहा कि ट्राई करती हूँ ये। ये भी सारा फ्राई होता है, फिर मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा हो गया सारा। अब मैं क्या करूंगी, इसी को मैं डाल दूंगी जो हमारा कीमा होता है। अब मैं इसको अच्छा सा भूनूंगी। इसे थोड़ा सा भून के फिर आपको दिखाती हूँ। चलिए कीमा तो बहुत अच्छा सा हो गया। अब मैंने क्या करना है, ये जो मैंने करेले फ्राई किए थे ये इसमें ऐड करूँगी। थोड़ा सा इसको मिक्स करके इसको 5 से 7 मिनट दम पे रखती हूँ। चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बनाया, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे बताना है कैसा बना। थैंक यू वेरी मच, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।